के बाद हमें चाय नसीब हो गया है। यस, और मुझे पीछे से आगे आ गई है सोने के लिए। ओके, 80 किलोमीटर्स कगार पे, लेकिन दम नहीं तोड़ना उसको। हाँ, पापा
सो अभी हम लोग कहीं तो NH-20 में है। NH-19 टू NH-20 का रोड काफ़ी ख़राब था, ड्राइव में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। NH-20 काफ़ी अच्छे अब तक तो, राइड भी में भी मज़ा आ रहा है। रांची और अप्रॉक्स रह गए 80 किलोमीटर्स, 1.5-2 घंटे लगेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं रांची में सर्विस सेंटर वालों को 9:30 का उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ था और ऑलरेडी हो गया है 10 यहीं पे, तो पता नहीं यार गाड़ी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट चलो देखते हैं, ट्राई तो करेंगे। पहले जाना होगा होटल, चेक इन करना होगा, बहुत सारे लगेज है वो सबको निकालनी होगी। देख सकते हो पूरा सामान पैक है, There's no space. तो मैं रांची पहुंच गया हूँ अराउंड 11 या 11 बजे रांची पहुंच गया था। टोटल रनिंग हुआ 275 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे में हमने कवर किया। बीच में 1-2 ब्रेक लिया था चाय के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, बट ओवरऑल अच्छा रहा जर्नी। तो होटल वगैरह सब तो चेक इन हो गया है, स्नेहा मोई होटल में है। मैं जा रहा हूँ जिप सर्विस सेंटर, गाड़ी को वहाँ पे ड्रॉप करूँगा। गाड़ी में क्लच प्लेट का काम आ गया है, ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 70,000 रनिंग हो गई है, तो ठीक है, हार्ड हो गया क्लच तो करवा लेते हैं चेंज, इजी होगा ड्राइव में, क्योंकि ट्रैफिक में काफ़ी ये हार्ड क्लच यूज़ करना काफ़ी टफ हो जा रहा था। तो बस वो लोग बोले तो हैं मैं कि इवनिंग तक गाड़ी दे देंगे, अगर गाड़ी मुझे इवनिंग तक मिल जाती है तो फिर कल मॉर्निंग हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे रांची टू बनारस, और फिर बनारस से पिंच नेशनल पार्क जाएंगे, फिर वहाँ से पूना जाएंगे। तो ऐसे 3-4 डेज का है ट्रिप। चलो फिलहाल तो गाड़ी दे देते हैं, ऑलरेडी मैं 3 घंटे लेट चल रहा हूँ। आई होप वो गाड़ी मेरी एक्सेप्ट कर ले और मुझे इवनिंग तक दे दे। सो इट्स 12:15, ऑलमोस्ट जिप सर्विस सेंटर में पहुंच ही गया हूँ। अब ऐसा है कि ये भी एक सोचने वाली बात है कि मैं पुणे में सर्विस क्लच प्लेट चेंज नहीं करा के रांची में क्यों करा रहा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस भी रांची में ही करवाई हुई थी और क्लच प्लेट भी यहाँ करा रहा हूँ क्योंकि रांची के सर्विस एडवाइज़र मुझे अच्छा लगा, वो लोग अच्छे से गाड़ी का काम भी करके दिए, तो बस कॉन्फिडेंस है। और पुणे के तो सर्विस सेंटर वाले का बहुत बहुत गंदा रिव्यू है। तो क्लच प्लेट का काम मेरी गाड़ी का हो रहा है, ये गियर बॉक्स है जो नीचे आया, लुक एट दैट गियर बॉक्स, नाइसली। डाल दिया क्या क्लच प्लेट? और वो फ्लाईव्हील वगैरह सब ठीक था? हाँ, तो और कुछ एडिशनल नहीं है ना उसमें करने के? तो आई थिंक क्लच के काम हो गए हैं। होटल आ चुका हूँ, क्लच प्लेट चेंज हो गया है, 50,000 के बिल बन गए हैं। क्लच काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मतलब ऐसा स्मूथ जो कि मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, मुझे पता नहीं था इतना स्मूथ जिप का क्लच होता भी है। इसके लिए निकलना है, गाड़ी वापस से लोड करनी है, बहुत सारे सामान थे